हेलो गाइस, वी आर फाइनली बैक विद अनदर व्लॉग। तो गाइस, आज एक बहुत सैड न्यूज़ है जो काफ़ी दुनिया को पता चल रही है, कुछ लोगों को नहीं पता। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन हैज़ पास्ड अवे। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन अब दुनिया में नहीं रहे। गाइस, हमारे पाकिस्तान का बहुत बड़ा लॉस हो गया है। जैसे कि आपको पता है, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी थे, एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी थे और एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंसान थे यार। अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। वो हमारे मुसलमान भाई थे। देखो यार, उनकी पर्सनल मैटर, पर्सनल ज़िंदगी में हम इंटरफेयर नहीं कर सकते कि वो क्या थे क्या नहीं थे। कुछ लोग उनको बुरा कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं उनमें ये खामियाँ थी, उनमें ये था, वो शादियाँ करते थे। देखे यार, वो उनका पर्सनल मैटर था, लेकिन हमारा बहुत बड़ा लॉस हो गया। जैसे कि आपको पता है कि इंडिया का भी बहुत बड़ा लॉस हुआ। मूसेवाला की डेथ हो गई, केके की डेथ हो गई, तो आज पाकिस्तान का भी बहुत बड़ा लॉस हो गया। पाकिस्तान में डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन हैज़ पास्ड अवे। काफ़ी बड़े बड़े सेलिब्रिटी के ट्वीट्स आ रहे हैं और डॉक्टर अपना काफ़ी जो एंकर्स हैं वो भी इस मुतलिक बात कर रहे हैं। जैसे कि गाइस, पता ये चला कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के कमरे में बहुत ज़्यादा धुआं था। उनके नौकर बता रहे हैं कि उनके कमरे में इतना ज़्यादा धुआं था कि मोहल्लेदार ने जब धुआं देखा तो मोहल्लेदार ने शोर मचाना शुरू कर दिया। तो जैसे ही उसने रूम में पहुंचे तो डॉक्टर आमिर लियाकत का इंतकाल हो चुका था। अब उनके नौकरों के मुताबिक ये नहीं पता कि वो उनका रात को ही इंतकाल हो गया था कि दिन का टाइम हुआ है कि 2-3 घंटे पहले हुआ है। ये जो रिपोर्ट है ये पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगी। और डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन का जो पीछे जो स्कैंडल आया, उसके बाद वो बहुत ज़्यादा अफसरदा रहने लग गए थे और उन्होंने सोच भी लिया था कि यार अब मैं उम्रा करने जाऊँगा। वो उम्रा करने जा रहे थे यार, तो लेकिन उनको मौका नहीं मिला। अब ज़िंदगी बहुत शॉर्ट है यार, इसको अच्छे तरीके से गुजारना चाहिए इंसान को। पैसे के पीछे अपनी ज़िंदगी को ख़राब नहीं करना चाहिए यार। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि नमाज पढ़ो, नमाज बहुत लाजमी है यार, नमाज से बड़ी कामयाबी है यार। और किसी के साथ ज़्यादती ना करो यार, इंसान का एक पल का नहीं पता यार, किसी का हक ना मारो यार। दे दो यार, जिसका भी देना उसको दे दो यार, सब कुछ यहाँ रह जाना। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन देखें, करोड़ों रुपये अरबों रुपये यहाँ पर छोड़ के चले गए, साथ क्या लेके गए अपने माल। तो सब ने यार इस दुनिया से खाली जाना है। तो उन्होंने प्लान किया था कि यार मैं उम्रा करने जाऊंगा, उम्रे के बाद मैं एक ऐसी जगह पे ज़िंदगी बसर करूंगा जिसका किसी को भी नहीं पता चलेगा। कुछ दिन पहले डॉक्टर आमिर लियाकत ने अपना एक पोस्ट लगाई थी जिसमें डॉक्टर कदीर की तस्वीर लगा के उन्होंने कहा था कि वो चल बसे, वो अच्छा था, मैं भी गुजर जाऊंगा, सच्चा था। इस तरह की बड़ी सैड पोस्ट लगाई थी उन्होंने। तो यार मुझे तो दिल से बड़ा अफसोस हुआ है और पता नहीं किस किस को दुख हो रहा है कि बहुत बड़ी एक शख्सियत थी यार, एक बड़े अच्छे इंसान थे। ARY के साथ, जियो के साथ उन्होंने बड़ी देर काम किया यार, एक सेलिब्रिटी थे यार। वो देखा जाए हमारे मुसलमान भाई भी थे। अल्लाह पाक उनको जन्नत में फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। हम सब दुआ कर सकते हैं यार, पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा कि उनकी मौत की क्या वजह सामने आई है। तो जैसे ही डिटेल सामने आएंगी तो मैं आपसे शेयर करूंगा। तो चैनल पे पहली बार आए, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ बेल का बटन दबा के ऑल पे कर दें कि आपको मेरे आने वाले हर व्लॉग का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं इंशाल्लाह एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए ओका फिरें।